वैसे। चलो चलो बढ़िया हो गया है। कितनी बार पेपर दिया? 12 बार पेपर देने के बाद जाके आपकी नंबर आया आज। सर आज तो हर बार जाते थे, बस ना एक में 14 नहीं रह जाते थे, एक कम रह जाता था, बहुत टेंशन हो रही थी। चलो केशव ऐसा है कि हमने ना दूसरों को करना है मोटिवेट, ठीक है, जो बच्चे बार बार पेपर दे रहे हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम थी कि कोई ना कोई, अब देखो पहले आपने स्पीकिंग में कितने स्कोर लिए थे, 70+, लेकिन फिर भी आपके 50 ईच नहीं आ रहे थे। हाँ जी। अब देखो आपके 63 पता नहीं कितने आए हैं राइटिंग में, तो अब आपके 50 ईच आ गए, ठीक है। तो हमने अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना ताकि बाकी बच्चों को भी हम मोटिवेट कर पाए। हम शुरू करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज केशव है, केशव ने 12 बार एग्ज़ाम दिया था अपना पीटी का, इनके 6 ईच की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो इनका मंडे को मतलब कल इनका 6 ईच की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और वो भी इन्होंने सिर्फ 2 या 3 दिन हमारे से स्पेशल कोचिंग ली है। यस केशव, फर्स्टली कंग्रेचुलेशन। आप मुझे बताओ आपका कैसा रहा जर्नी, कितने एग्ज़ाम दिए, कैसा रहा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं मोटिवेट हो जाएं। सर मैंने एग्जाम 12 बार ही दिया, एग्जाम हर बार सर बढ़िया जाता था, सब में स्कोर आ जाते थे, 70+ ही थे और एक में रह जाते थे, एक में 49-48 रह जाते थे, नहीं आते थे सब एक रह ही जाते थे, कभी रीडिंग में, कभी राइटिंग में, कभी लिसनिंग में, स्पीकिंग में हर बार ही आ जाते थे। अच्छा। तो सर मैंने आपसे कोचिंग ली, 2 दिन आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया सर, तो आपने टिप्स और ट्रिक्स दी जिसके साथ मेरे ईच आए, तो सर थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बहुत बढ़िया हो गया। देखो 12 बार पेपर देना, वही मैं सोच रहा था, 12 multiply कर लो। आप कितनी देर से लगे हुए हो? सर मुझे 3 महीने हुए सर, मैं हफ्ते के बाद दे देता था, डेढ़ हफ्ते बाद। देखो पहले मैंने इतना लगाया, मुझे लगा कि हाँ हो गया, मेरे टीचर भी बोलते थे कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तुम्हारे यहाँ पर नंबर मेरे 65+ आते हैं सब में से। अच्छा, मॉक टेस्ट में से या घर में अगर देते हो? सब में से 60+ आते थे, 65+, और वहां जाकर आ तो सब में जाते थे, बस एक में एक रह जाता था। कई बार स्पीकिंग, कई बार आपके लिसनिंग में रह जाते थे, कई बार राइटिंग में रह जाते थे, इस तरह से। हाँ जी सर। नहीं बढ़िया हो गया। देखो पता क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको देख भी रहे होंगे कि जिनकी 6 ईच की रिक्वायरमेंट कई बार पूरी नहीं होती है, ठीक है, जितनी देर तक आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली में आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सभी मॉड्यूल्स में थी स्पीकिंग को छोड़ के। तो आपने, जब मैंने आपको भेजा कि भाई आपको 2 हफ्ते की कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपने कहा कि मेरा एग्ज़ाम तो 2-3 दिन बाद है, तो यूजली हम बच्चे को पकड़ते नहीं हैं, बट हमें पूरा विश्वास था कि हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे, और फाइनली आपका मंडे को पेपर पास हो गया। हमारे को भी बड़ी खुशी होती है जब हमने अपनी पूरी खुद की मेहनत की हो, जब आपका मैसेज आया कि हाँ भी सर मेरा हो गया पेपर पास, और घर वाले भी आपके बहुत खुश हो गए, पापा ने बात की थी, वो भी खुश हैं। नहीं नहीं चलो बढ़िया हो गया। आपके देखो कितने सारे पैसे वेस्ट हुए, और कितने बार आपने पेपर दिया, परेशानी हुई, मुझे मैंने तो सोच लिया था ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं दूंगा। नहीं नहीं वो तो है। चलो देखो लास्ट टाइम आपने कुछ बना हुआ था कि आपने मेरे से पढ़ना है फिर पास होना है, नहीं तो। हाँ जी सर। हाँ। आपको देखो सारी चीजें पता थी। हाँ जी सर, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं पता लगता कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर फोकस करो। हमने भी वही किया। हाँ, क्योंकि आपका टारगेट जो था वो 50 का था ईच का, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम थी, ज्यादातर आपके रीडिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, और रीडिंग के साथ साथ मैंने आपको सारी चीजें और भी बताई ताकि आपके अच्छे स्कोर आ जाएं, कोई कसर ना निकले। और जाते जाते बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ये आपकी तरह ये सोच रहे हैं कि एक नंबर कम आया मैं अगले हफ्ते में दे दूं, एक नंबर आया अगले हफ्ते में दे दूं, उनको क्या कोई सलाह मशवरा देना चाहते हो आप कोई? सर मैं तो यही बोलूंगा, पेपर 2 हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी तो आएंगे, अगर आपने सोचा है ना कि बाहर जाना है तो पेपर दो। ये तो है। ऐसा करो, ऐसे नहीं कि एक हफ्ते बाद पेपर दे दो, मेरी तो ये गलती थी, कम से कम नहीं यार 1 महीना लगाओ, और क्योंकि टाइम तो लगता है सर हर एक चीज को ना,
मैंने यही देखा कि जब तक लिखा होता है ना सब तब भी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जितनी देर तक आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी ना, कि आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली में गलती है क्या। आप तो फिर भी 12 बार पेपर देकर आए हो, मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं 20-20 बार पेपर देकर, हर हफ्ते पेपर देकर, ठीक है, उनको पता नहीं चलता कि वजह है क्या एक्चुअली में, ठीक है। हाँ जी सर। तो चलो बहुत बढ़िया हो गया आपका, 13 टाइम अलग मतलब एक्सपीरियंस रहा है, 12 बार पेपर देकर 13 टाइम के ऊपर आपका एग्जाम निकला है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन, और अपने घर वालों को भी हमारी तरफ से पूरी कॉन्ग्रेचुलेशन देना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको आगे जरूरत पड़ी तो हमारे को फिर दोबारा याद कर लेना। मिलते हैं, थैंक यू सर, ओके बाय बाय।